हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है कॉन्सेप्ट से जिस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे आती है। ये वीडियो कवर करेगी हमारे चैनल पे बताए गए अभी तक के कॉइन्स को और आपको एक डिसीजन लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सिखा के जाएगी। क्या सिखा के जाएगी वो आपको अंत में पता चलेगा, लेकिन पहले मैं आपको इस चैनल के इस वीडियो में अच्छे खासे जो अभी तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन इसमें टॉप गेनर्स मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूं। और बहुत सारे कॉइन्स हैं, कम से कम 3, 6, 2, 8 कॉइन्स तो यहीं पर मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, एंड एक मैंने लेटेस्ट कवर किया है। तो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा विद प्रूफ, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर पहली बार आए हो, और हमारे कम्युनिटी से जुड़ जाइए ताकि आपको भी फंडामेंटल नॉलेज मिले। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए, दो तरह के लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने आते हैं। एक होते हैं जो रातों रात अमीर बनते हैं, दूसरे होते हैं जो जानते हैं कि भाई हम पैसा हमारा मेहनत का है, हम इस पैसे को कहीं ऐसे नहीं लगाएंगे कि हमारा डूब जाए रातों रात। तो दो तरह के ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं। एक आते हैं, कुछ लोग देखते हैं फंडामेंटल्स को और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से सही जगह पे सही प्राइस पे बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल जानते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो शिट कॉइंस या फिर किसी की बात सुन के, औरों की बात सुन के, मैं खुद नहीं कहता कि मेरी आप बात मानिए, पहले आप सिर्फ मेरी बात के ज़रिए आप जानिए कौन सा कॉइन में पोटेंशियल है, आप खुद जाके देखिए, अपनी रिसर्च करिए, फिर आप बाय करिए, मैं ये कहता हूँ। यही चीज़ कुछ लोग जो होते हैं जो बिल्कुल दूसरे की बात सुन के चले जाते हैं बाय करने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे बता रहे होते हैं वो हमेशा शिट कॉइंस बता रहे होते हैं। शिट कॉइंस हमेशा रिस्क के साथ आते हैं, जिसमें रिस्क जो है 60% होता है, आपका प्रॉफिट के चांसेस 40%। ये बात आप समझ लीजिए कि रिस्क ज़्यादा होता है प्रॉफिट से, मतलब आपके लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट से। वेयर एज जो फंडामेंटल्स वाले होते हैं उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि कॉइन की वैल्यू इस पर्टिकुलर प्राइस पर जाएगी ज़रूर, अभी भले ना जाए बट कितना टाइम लगेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बट प्राइस जो है यहाँ से जाएगी ज़रूर, ठीक। तो फंडामेंटल में आपको भरोसा मिलता है, आपको गारंटी मिलती है, ये गारंटी वाली बात होती है। आप कोई कपड़ा जूते लेने जाते हो, आपको गारंटी नहीं मिलती, तो गारंटी ना मिलने वाली जगह होगी आपकी शिट कॉइंस, लोकल जूते जो आप वापस भी नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल वाले में गारंटी आती है कि आपको ये अच्छी क्वालिटी का मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फैंटम की, ठीक। इस चैनल में मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को जो है प्रमोट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं, टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबको पता होनी चाहिए बाइंग रेंज सही क्या है, कौन सा RSI ज़्यादा ओवरबॉट बता रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बता रही है, तो वो सब चीज़ें सीख सको, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 13 अगस्त को मैंने ये कॉइन डाला, फैंटम FTM कॉइन, इज़ इट अ जेम। इसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके और इसकी पूरी समझाई मैंने, इसका क्यों यूज़ केस आगे चल के बहुत होगा, और 927 व्यूज़ इसके आए, जो कि ऑन एन एवरेज बहुत कम व्यूज़ हैं हमारे चैनल की वीडियोज़ से, ठीक। एंड मुझे ये बात बुरी लगी थी उस समय, बट मैंने आपको देखिए यहाँ पर एक मार्क बनाया है, इस वीडियो में आपको दिख रहा है 0.40 के मार्क के आसपास। अब मैं अगर आपको यहाँ पर ले चलूँ चार्ट में अपने USDT के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सटीक टेक्निकल एनालिसिस हुआ था, और यहाँ पर FTM में मैं आपको ले चलता हूँ। FTM कहाँ गया, यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ FTM और मैं आपको FTM का चार्ट खोल के दिखा दूँ, तो FTM के चार्ट में आप देखोगे FTM का जो करेंट प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, ठीक। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, FTM का करेंट प्राइस चल रहा है, FTM का करेंट प्राइस चल रहा है 41 सेंट्स, तो 41 सेंट्स के आसपास, यानी $0.4 के आसपास इसका प्राइस करेंटली चल रहा है, ठीक। और ये था हमारा जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ चार्ट, $40 का मैंने आपको मार्क बताया था, ये देख सॉरी 40.4 जो है डॉलर के आपको मार्क बताया था यहाँ पर, और ये हिट कर गया, और एग्जैक्टली हिट कर गया। आप देखोगे इसके ज़रा सा हम ऊपर भी आ गए हैं, अब 41 सेंट्स के आसपास चल रहे हैं, ठीक। तो ये एक रेंज है जो मैंने आपको बताई थी, और ये हिट भी कर गया यहाँ से जाके। फैंटम ने आपको कितने दिन में प्रॉफिट दिया, 13 तारीख को मैंने आपको कॉल दी, 3 दिन और जोड़ के कल इसने हाई मारा, और आप देखोगे कि इसने आपको 28 से 30% का प्रॉफिट लाके दे दिया, ठीक। तो ये तो हो गई फैंटम की बात हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेरा के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी, 13 अगस्त को ही मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, और टेरा का प्राइस चला था 16.97, ठीक। 16.97 प्राइस चल रहा था टेरा का, और इस वीडियो में मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर ल्यूना, टेरा ल्यूना का प्राइस दिखाऊं यहां पर रून का, सॉरी ल्यूना का अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं, तो $26 के आसपास प्राइस चल रहा है ल्यूना का इस समय,
ठीक, ये देखिए ल्यूना का ये प्राइस है, और मैंने जो बैंड बनाए थे उसी के ऊपर चले गए, और ये मैंने मिडल में आपको $21 का दिया था मैंने वैसे तो कॉल, लेकिन 21 से ऊपर हम बहुत चले गए। अगर मैं आपको स्प्रेडशीट में अगर दिखाऊं, मैंने एक स्प्रेडशीट भी बनाई है, मैंने आपको फैंटम की 32 सेंट पे कॉल दी, 41 सेंट प्राइस हुआ, 28% का प्रॉफिट, ये 3 दिन का है। वहीं ल्यूना का भी 3 दिन का ही प्रॉफिट है, $16 से $26, 56% का प्रॉफिट आपको दिया। वहीं अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस की वीडियो मैंने आपको 27 जुलाई को दी थी, आज से 13 या 15 दिन पहले, ठीक आधा महीने पहले, और 38.77 पे चल रहा था। एक्स इन्फिनिटी के ये कॉइन गेको पेज पे आया, $67.46 चल रहा है प्राइस, और अभी अगर स्प्रेडशीट में मैं आपको दिखाऊं इसके रिटर्न कितने हुए एक्सेस के, 38 से 67.46, 74% का रिटर्न एक्सेस ने आपको दिया। तो गाइस अभी तक आपको कुछ थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट अगर हुआ है कि नहीं तो नीचे कमेंट करके बताना, और आपका इन सब में प्रॉफिट नहीं हुआ मैं मान नहीं सकता। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं भाई हमने बाय नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूँ इस वीडियो में, पोलका डॉट की मैंने कॉल, ये वाली की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी, और जब डिप चल रहा था और मुझे लगा था कि हम मार्केट रिकवर करेगी अगस्त में, तो यहाँ पर आप देखोगे टॉप 5 ऑल्टकॉइंस आई एम बाइंग इन डिप, ये मैंने आपको बना के दिखाई थी। इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता था बार बार अपने प्रॉफिट को बताना कि इतना प्रॉफिट हुआ, बट मैंने देखा कि यार सब कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए, कि भाई हाँ हमने रिजल्ट्स दिए हैं लाके लोगों को। तो आप देखोगे यहाँ पर टॉप 5 ऑल्टकॉइंस आई एम बाइंग इन डिप, मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये अच्छे प्रोजेक्ट्स इसमें डिस्कस किए थे जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल था, और 2000 व्यूज थे इस पे, और 12.29 का जो है पोलका डॉट का प्राइस चल रहा था। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में लेकर चलूं और डॉट का प्राइस अभी यहीं साइड से दिखा दूं, तो डॉट का जो प्राइस आपका चल रहा है वो चल रहा है अप्रॉक्स $20 के आसपास, आई थिंक $26 के आसपास डॉट का प्राइस चल रहा है, 26.5 के आसपास, ये 26.5 है। अगर मैं आपको स्प्रेडशीट में दिखाऊं यहां पर, तो स्प्रेडशीट में डॉट का प्राइस कितना है, 12.29 सेंट्स के आसपास बताया था, और $26 है, 116% का प्रॉफिट लाके डॉट ने आपको दिया एक महीने में, डेढ़ महीने में, ठीक। वहीं रून की बात करें तो $4.55 पे मैंने आपको कॉल दी थी, इसी वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको रून बताया था, जो कि रून चल रहा था कुछ $4.55 के आसपास चल रहा था, आप देखोगे यहाँ पर, और रून का करेंट प्राइस चल रहा है आप देखोगे $9.274 के आसपास, 9.274 हो जाता है लगभग हमको लेकर आता है यहाँ पर, आप देखोगे प्राइस है 102% का प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक। बहुत से लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा बट पता नहीं कोई कमेंट ही नहीं करता है, मेरे को अच्छा लगता है भाई अगर आप कमेंट करोगे। 9.25 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 102% का प्रॉफिट हुआ। सोलाना की मैंने कॉल इसी वीडियो में $27.4 के आसपास दी थी, यहाँ पर इस जगह पे मैंने आपको सोलाना बताया था, और सोलाना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 27.40 के आसपास मैंने आपको सोलाना की डॉट कॉल दी थी, और सोलाना यहाँ पर आप देखोगे $72 चल रहा है, $72.45 के आसपास चल रहा है, वैसे तो 75 गया था, अगर मैं 72 लीस्ट लूं तब भी आप देखोगे यहां पर आपको प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ, सोल से हुआ 163%, सबसे ज्यादा प्रॉफिट सोल ने आपको लाके दिया, और सोल में अभी से नहीं बहुत पहले से बता रहा हूं लोगों को। मैटिक को ले ले, 0.83 सेंट्स पे मैंने कॉल दी थी, $1.43 चल रही है, और मैटिक का तो आप लोग जानते ही हो, मैं अपडेट देता रहता हूं आप लोगों को, तो प्रॉफिट उन लोगों ने बहुत बनाया हुआ जिन्होंने डिप में बाय किया मेरे साथ मैटिक को, और अभी मैटिक ने 72% का प्रॉफिट लाके दिया, मतलब समझ रहे हो इस पूरी लिस्ट में 50% तो बहुत आम बात है, ठीक है, सेकंड लास्ट आता है 56% का प्रॉफिट, तो समझ रहे हो। एक चीज आपको समझ में आएगी इस वीडियो में, पहले ही बता देता हूँ एवैक्स का बता देता हूँ मैंने इस वीडियो के एकदम लास्ट में मैंने आपको बताया था एवैक्स का कॉल, और ये एवैक्स $11.16 के आसपास चल रहा था, और अगर मैं यहाँ पर आपको लेके चलूँ ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पर अगर मैं नीचे लाऊँ आपको, तो एवैक्स चल रहा है $20.714 के आसपास। आप देखोगे कोई भी कॉइन आपको छोटा मोटा रिटर्न नहीं लाके दे रहा है, अच्छे बूस्टर रिटर्न लाके दे रहा है, कितना 83% का प्रॉफिट एवैक्स ने लाके दिया। तो ये तो वो कॉइन हो गए जिनके बारे में मैं कवर कर पाया इस वीडियो में, मैं सबका नोट भी नहीं कर पाया, बट फिलहाल के लिए आप देखोगे कि ये टोटल कॉइन्स है जिनकी मैंने श्योर शॉट कॉल दी थी कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छे जाएंगे, और समझाया था आपको। अभी इसके अलावा बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, और इसमें र्यून भी समझा दिया था, सोल भी समझाया था, हाँ ये सब मोस्टली समझा दिए हैं, बाकी जो कॉइन्स हैं
वो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट देंगे। तो ये तो हो गया हमारे ये वाले NFT रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उनका मैं प्रॉफिट अलग आपको बताऊंगा, बट उस वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को अगर प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। आपको कोर्स करने की कोई भी पूरी 100% ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। आपको कोर्स सीखना है तो आप ऑनलाइन तरह तरह की जगहों पर जाकर आप कोर्स सीख सकते हो। जो लोग एक ही जगह पे आराम से कोर्स को लेके सर्टिफिकेट चाहना चाहते हैं Udemy का, वो लोग ये कोर्स ले सकते हैं। 100 लोग इस कोर्स से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस दोनों लोगों के काम आती है, लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म वाले दोनों के लिए काम आती है, और इसमें सब इंक्लूड किया है मैंने। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म करना चाहिए। ये श्योर शॉर्ट जो मेरे सामने रिजल्ट हैं ये कौन से हैं, ये हैं मिड टर्म के रिजल्ट्स। ठीक, मिड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म हमारे क्रिप्टो में आप 1 महीने 2 महीने को कहते हो, 6 महीने 1 साल को भी कह सकते हो, बट लॉन्ग टर्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि जल्दी मुझे सेल नहीं करता है जब तक मेरा 10x या 5x ना हो जाए। ठीक, तो ये एक चीज़ होती है लॉन्ग टर्म में, ये तो कुछ भी नहीं है लॉन्ग टर्म में, ये मिड टर्म है। ठीक, मिड टर्म का मतलब 1-1.5 महीना लिया है, इन सारे मैक्स जो प्रॉफिट लिया है वो 1.5 महीने का लिया है और हम आपको इतना अच्छा प्रॉफिट ला के दिया है। तो मतलब आपका 1 लाख रुपये अगर 2 लाख बन रहा है और बिना रिस्क के साथ बन रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आपको 1 लाख 2 लाख वो 1-1.5 महीने में बनाने सही लगेंगे, या फिर उसी 1 लाख को 2 लाख बनाना है आपको 1 रात के अंदर, ठीक, तो वो सही लगेंगे। लेकिन ये जो 1 रात वाला है ये 100% रिस्क के साथ आता है, बहुत ख़तरनाक रिस्क के साथ। जैसे आपने डोज में लगा दिया जो उसको सिर्फ इलॉन मस्क ट्वीट करके उठा दिए और 1-2 रात में, और गिरा जब वो तो आपके 1 लाख वो 25,000 बन गए, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक्यूमुलेशन आना चाहिए, DCA करना आना चाहिए, ये सब आपको सीखना है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे, सीखो, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज होगी किसी चीज़ के बारे में, आँख बंद करके बिल्कुल मत खरीदो, बस यही टिप्स मैं आपको दूंगा। जो कॉइन मैं लाता हूँ उनके बारे में रिसर्च करना अपनी खुद की और तब बाय करना। ठीक, तो ये तो हो गई वीडियो हमारी, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।